सिटी चैनल की खबर का असर प्रशासन पर हुआ है। शिप्रा नदी पर बने छोटे पुल पर आवागमन रोका गया। उज्जैन में 24 घंटे में 2 इंच बारिश हुई है। अब तक सीजन में 15 इंच बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर शिप्रा नदी में जल स्तर भी बढ़ गया है। शिप्रा नदी के रामघाट व दत्त अखाड़ा घाट क्षेत्र के मंदिरों में पानी भर गया है। यहां शिप्रा नदी के छोटे ब्रिज से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। ब्रिज पर से आवाजाही रोक दी गई है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए घाट पर लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। ये छोटी रपट पे अभी पानी था, 2 फीट करीबन पानी है, तो इसलिए आना जाना बंद कर रखा है। सुरक्षा के हिसाब से 2-3 जगह घटना हो गई। ओंकारेश्वर में वो वहाँ पे खलघाट में, महितपुर में, उस हिसाब से यहाँ सुरक्षा के हिसाब से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से बंद कर रखा रास्ता। बारिश होने की वजह से पानी हो, पुल पे पानी है, कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए ये रास्ता बंद कर रखा है।